है नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। बीजेपी नेता राहुल आवेकर विधानसभा स्पीकर का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। शिंदे ने विधानसभा में कहा कि ये सरकार शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे एंड ये बताते हुए नजर आए कि ये सरकार बालासाहेब के हिंदुत्व के विचार को आगे लेकर आगे बढ़ रही है। शिंदे ने कहा कि उद्धव कैंप के कुछ लोग दावा कर रहे थे कि मेरे साथी कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आप नाम बताइए, मैं उन्हें विमान से भेज दूंगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने पर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद किया। बता दें कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना और बीजेपी की सरकार वाले इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि स्पीकर के लिए हुई वोटिंग के बाद अब विधायकों पर अभियोक्ता की तलवार लटक रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि कौन से धड़े के विधायकों पर गाज गिरेगी, लेकिन कानूनी की जानकार माने तो फिलहाल उद्धव ठाकरे गुट का पलड़ा भारी है, क्योंकि शिंदे गुट के विधायकों ने किसी भी दल के साथ विलय नहीं किया है। ऐसे में उन्होंने शिवसेना के खिलाफ वोटिंग की है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी को देखते हुए अब ये लड़ाई असली शिवसेना को लेकर शुरू है। शिंदे गुट का कहना है कि उनके पास ज़्यादा विधायक हैं, इसलिए उन्हें असली शिवसेना की मान्यता मिलनी चाहिए, जबकि शिवसेना नेताओं का कहना है कि पार्टी अब तक टूटी नहीं, इसलिए बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। फिलहाल ये लड़ाई अब कोर्ट तक पहुँचेगी, आगे देखते हैं क्या होगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।